हाँ जी बच्चों गुड मॉर्निंग कैसे हो आप लोग आपको याद होगा मैं टीचर्स डे में एक वीडियो डाल रहा था पर बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी कुछ वॉइस वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा था कि उसमें ऐसा क्या खास बात थी ख़ास बात इतनी थी कि मैं आपको थैंक यू बोलने के लिए वो वीडियो अपलोड की स्पेशली थैंक यू बोलने के लिए क्योंकि एक टीचर्स के लिए जो कि ऑनलाइन पढ़ा रहा है उसके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट बच्चों की तरफ से क्या हो सकता है कि उसके वीडियो को लाइक्स किया जाए और उस पर कमेंट्स और इतने सारे कमेंट्स इतने सारे लाइक्स विश्वास नहीं हो रहा थैंक यू बच्चों थैंक यू सो मच दूसरी बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहला ऐसा टीचर हूँ जिस जो कभी अपने वीडियो में बोलता नहीं कि लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और क्या कमेंट्स कीजिए बिना बोले बहुत सारे कमेंट्स है इसका मतलब मार्केटिंग ही सब कुछ नहीं होता मुझे ऐसा लगता है कि मार्केटिंग ही सब कुछ नहीं होता तो इतने सारे कमेंट्स के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को और इसी तरह से मैं आपका इस चैनल पर डाउट्स जो भी हो जितना मुझसे हो सकता मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा दूसरी बात यह है कि सर रिवीजन वीडियो ठीक है ऐसे ही वीडियो आपको और चाहिए तो अगला वीडियो कल शाम को अपलोड होगा और उस लेक्चर जो रिवीजन लेक्चर होगा हमारा सेकंड नंबर का वो रहेगा इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट जो ओल्ड और न्यू ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस दोनों के लिए है तो कल शाम को हम अपलोड कर दें तीसरी बात जो मुझे करनी है वो ये करनी है कि जब मैंने डेरिवेटिव का वीडियो डाला तो एक क्वेश्चन था जो वाकई टेक्निकल है और किसी बच्चे ने मुझसे कहा भी है कि सर प्लीज़ आप उस क्वेश्चन को अपलोड कर दीजिए ये रिवीजन वीडियो नहीं है तो पक्का मैं स्लो तो पढ़ा ही सकता हूँ तो थोड़ा सा स्लो चलेगा कॉन्सेप्ट के साथ समझने की कोशिश करेंगे और वो क्वेश्चन कौन सा है वो क्वेश्चन है ये बी एस सी फाइव थाउजेंड करके तो जो लोग जिन लोगों को ये क्वेश्चन बनता है वो अपना टाइम खराब ना करें उनसे बनता है तो बेकार में इस वीडियो को देखने का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला क्योंकि तो कॉन्सेप्ट अगर आते हैं तो कुछ मजा नहीं तो बाय बाय कल मिलते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों को ये लेक्चर्स ये क्वेश्चन बनता है और जिन लोगों को नहीं बनता जिन लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है वो लोग रुके रहेंगे। उन्हें शायद में डिटेल में समझाऊंगा तो बाकी लोग कल मिलते हैं और जो उन बच्चों को समझना है एक बार ठीक से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ये है आपके सामने लिखा हुआ बी एस सी फाइव थाउजेंड बीएससी फाइव थाउजेंड मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नो डाउट फाइव थाउजेंड का मतलब क्या हुआ अगर मैं कहूं सेंसेक्स का प्राइस आज का प्राइस है फाइव थाउजेंड यही मतलब हुआ इसका पर फिर भी आगे बढ़ने से पता लगेगा वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो है दस लाख दस हजार वै वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो का मतलब मैंने अलग अलग कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे होंगे अलग अलग कंपनी के शेयर्स तो जो शेयर्स मैंने खरीद के रखा है उसकी आज वैल्यू कितनी है दस लाख दस हजार आज ओके और जो पोर्टफोलियो मैंने बनाया है मैं भगवान से हमेशा एक ही प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान शेयर का प्राइस बस बढ़ाए क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू तो तभी बढ़ेगा जब शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा सारे शेयर्स का सारे सा, सारे शेयर्स का मार्केट इकोनॉमी भगवान बढ़ाए इकोनॉमी बढ़ेगा तो पक्का है मेरे शेयर्स का मेरे पोर्टफोलियो का वैल्यू भी तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा इकोनॉमी का मतलब मार्केट सेंसेक्स वगैरह आर एफ दिया है ये ले दिया बीटा ऑफ पोर्टफोलियो क्या मुझे बीटा ऑफ पोर्टफोलियो समझा सकते हो बीटा क्या होता है वन पॉइंट फाइव सर इसका मतलब ये है कि आपका पोर्टफोलियो आपने बना के रखा और एक तरफ हो गया है सेंसेक्स मार्केट सेंसेक्स इसका मतलब है सर आपका पोर्टफोलियो का बीटा है वन इसका मतलब सर मार्केट अगर दस परसेंट से डाउन होगा तो आपका पोर्टफोलियो भी डाउन होगा कोई शक ही नहीं है पर दस परसेंट से नहीं होगा ज़्यादा से डेढ़ गुना ज़्यादा पंद्रह परसेंट वन पॉइंट फाइव टाइम्स पंद्रह परसेंट से डाउन होगा अच्छा और अगर मार्केट अप होगा तो आपका पोर्टफोलियो भी अप होगा लेकिन ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा गुना मतलब पंद्रह से मतलब बीटा पोर्टफोलियो 1.5 का मतलब अगर मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है 10 परसेंट का तो आपका पोर्टफोलियो में फ्लक्चुएशन होता है 15 परसेंट का ठीक है जी बीटा समझ में वी एज्यूम दैट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बीएसई इंडेक्स विथ फोर मंथ मैच्योरिटी इज यूज्ड टू हैज दू ये लाइन we assume that future contract on the BSE index with four months maturity is used to hedge the value of portfolio over three months. अगर मैं ये lectures आपके सामने डाला हूँ, अगर ये lecture आपको दिख रहा है, तो सिर्फ उसकी एक ही वजह है, और वजह ये है अगर ये लाइन नहीं होती तो मैं पक्का अपलोड नहीं करता ये क्वेश्चन क्योंकि बिल्कुल इस लाइन को अगर छोड़ दिया जाए तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है जी कुछ भी नहीं और इस लाइन की वजह से मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी इस लाइन को मुझे समझाना पड़ेगा इस लाइन का इंटर रटवा तो मैं ऐसे ही सकता हूँ रट रत्वा, मुझे रटवाना नहीं मुझे कुछ एक्सप्लेन करना कुछ चीज़ें ठीक है सर समझाओ क्या है। पहली बात क्या आपको बीटा मैनेजमेंट का नॉलेज है या आपको हेजिंग थ्रू स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर पता है अगर नहीं पता है तो थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है आपको पर थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मेरे पास पोर्टफोलियो है मेरे पास है कितने रुपए का पोर्टफोलियो है मेरे पास शेयर्स रखे हुए कितने रुपए के दस लाख दस हजार ठीक आप भगवान से क्या प्रार्थना करोगे सर सीधी सी बात है ना बड़े मतलब इकोनॉमी क्या हु लेकिन सच्चाई आप जानते हो हालत खराब है इकोनॉमिक कोविड 19 इकोनॉमिक खराब होने वाला है तीन माह बाद और भी खराब होगा मार्केट क्या होने वाला है क्रैश मार्केट डाउन होने वाला है अगर मार्केट डाउन होने वाला है, तो क्या आप बच पाओगे नहीं क्या ये जो आप शेयर्स रखे हो क्या ये हो सकता है कि डूब जाए बिल्कुल बढ़ेगा बहुत अच्छी बात है पर अगर मार्केट गिरा तो आप बच नहीं पाओगे आप ज्यादा स्पीड से गिरोगे मार्केट अगर डाउन हो गया इकोनॉमी खत्म तो आप तो खत्म आपने तो पोर्टफोलियो मेंटेन किया कुछ रह नहीं जाएगा नो no डाउट कि आज से कुछ समय बाद मार्केट ठीक हो जाएगा लेकिन बेटे बीच में तो आप बर्बाद हो चुके हो आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाएगा क्या इससे बचा जा सकता है हाँ इससे बचा जा सकता है सर बेच दो बाद में खरीद लेना बेटे ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाता बेच दो कहने से काम नहीं होता बेचोगे तो कम में बिकेगा ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगेगा ब्रोकरेज वगैरह वापस पोर्टफोलियो बनाओगे तो उस पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो बहुत जगह लेकिन एक बात है ना एक बात क्या लग रहा है किस बात का डर है सर ये ना मैंने जो शेयर खरीदा है ये ना डग गिर जाएगा वैल्यू इसकी कम हो जाएगी क्यों कम होगी वजह बताओ क्योंकि सर इकोनॉमी ख़राब है ना आप नहीं समझ रहे इकोनॉमी ख़राब होगा तो मैं थोड़ी ना बचूंगा सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं मे भी तो मेरा भी तो वैल्यू डाउन हो जाएगा डर किस बात का इकोनॉमी का ना सेंसेक्स का ना हाँ तो उसी में बैटिंग करो ना भाई इसको रहने दो तो। ठीक है सर मैंने रहने दिया और किस बात का डर है कि सेंसेक्स कम ना हो जाए ओके okay, यही बात कर चलो सेंसेक्स पे बैटिंग कर लो और सेंसेक्स पे बैटिंग हम ये कर रहे हैं हम है। शर्त लगा रहे हैं और शर्त ये लगा रहे हैं कि चलो लगी शर्त सेंसेक्स आने वाले तीन महीने में कम होने वाला लग गई शर्त लगा लिया कितना पैसा लगा लिया पता नहीं दस लाख बीस लाख रुपये लगा लिया लग गया पैसा अब सोचते हैं हैजिंग कर लिया मैंने तीन महीने बाद मार, वाक़ी मार्केट डाउन ख़राब हो गए अगर मार्केट डाउन होगा तो मेरा क्या ये पोर्टफोलियो की वैल्यू भी डाउन होगी हाँ बोलो क्या यहाँ लॉस है यस सर लॉस है पर इस लॉस की वजह लॉस तो है लेकिन आपने शर्त लगाया था क्या शर्त लगाया था शॉर्ट पोजीशन लिया था कि मार्केट डाउन हो जाएगा तो उस पर तो प्रॉफिट कमा लोगे मेरी बात समझ रहा है हैजिंग का मतलब क्या होता है जिस बात का डर है ना उसी पर शर्त लगा के हम कमा कर निकले मार्केट अगर डाउन होगा तो ये भी डाउन होगा पर मार्केट के डाउन होने से मैं प्रॉफिट कमा लूंगा और यहाँ जो लॉस हो रहा है उसको मैं सेट ऑफ कर लूँगा दिस इज हैजिंग हेजिंग किसके थ्रू कर रहे हो आप हैज कर रहे हो किसके थ्रू सेंसेक्स के थ्रू किसके थ्रू स्टॉक इंडेक्स के थ्रू इसको बोला जाता इस है हमें कौन सा पोजीशन लेना सोच के बताना डाउनसाइड बैटिंग करना कि अपसाइड सर डाउनसाइड जिस बात कर सर शॉर्ट पोजीशन लेना एग्जैक्टली शॉर्ट पोजीशन ठीक है सर यहां तक इस लाइन का अभी तक कोई खेल नहीं है तो अब मैं तैयार हो गया मैंने कहा ठीक है हम तो मुझे बैटिंग करनी है बैटिंग किस में करनी है सर मुझे ना बस सेंसेक्स पे बैटिंग करनी है कहाँ जाए बैटिंग स्टॉक एक्सचेंज चलो जी स्टॉक एक्सचेंज जाते हैं और स्टॉक एक्सचेंज से जाकर बोलते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज मुझे बैटिंग करनी है मुझे शर्त लगानी है और हमें शर्त इस बात की लगानी है हमें शर्त ये लगानी है कि फ्यूचर में जो मार्केट है जो सेंसेक्स है वो कम हो जाएगा चलो तो पहुँचते स्टॉक इंडेक्स और मुझे पूरा बोर्ड लगेगा यार अब मैं समझाऊंगा बेटे इतमान से समझना मैं जो बोलने जा रहा हूं मान लो आज है फर्स्ट जनवरी ये वन मंथ सर फैब मान लो फर्स्ट या थर्टी फर्स्ट जनवरी मान लेते हैं यार चलो ठीक है ना बोलने के लिए ठीक है बेटे आप डेट पर ना मत जाना आप बिल्कुल पता लगा मार्केट पे चले गए नहीं सर सेकंड थर्सडे ये वो लास्ट थर्सडे कुछ मैं कुछ नहीं सुनना चाहता जैन के बाद फेब फेब के बाद मार्च ये सेकंड मार चलो ये जैन ले लेते थर्टी फर्स्ट ये ट्वेंटी एट फैफ ये थर्टी फर्स्ट मार्च इसको ले लेते हैं फैफ इसको ले लेते हैं मार्च और ये हो गया तीस अप्रैल मतलब ये हो गया फर्स्ट मंथ ये सेकेंड मंथ ये थर्ड मंथ और ये फोर्थ मंथ ओके ध्यान से सुनना पड़ेगा यार क्यों सुनना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ और आज हम स्टॉक एक्सचेंज के पास बैसे ये कौन है ये है स्टॉक एक्शन। मैंने कहा स्टॉक एक्शन सुनो अब मैं पहुंचा स्टॉक मैंने कहा स्टॉक एक्शन सुनिए सर मतलब क्या दिक्कत है स्टॉक एक्शन बोल रहा क्या है बोले मुझे मुझे बैटिंग करनी है और मुझे डाउन साइड बैटिंग करनी है मुझे फ्यूचर बोले किस करना? में करना शेयर में कि बी में मैंने कहा मुझे सेंसेक्स से में बैटिंग करनी है तो बोले कर लो मैंने कहा मुझे शॉर्ट पेजिश डाउन साइड बैटिंग तो कैसे करनी है बताओ बोले सुनो सुनो अब वो मुझे समझा रहा है बोले ऐसा बैटिंग करना है ऐसा आ गया ऐसा नहीं होता बोले देखो अब वो मुझे समझा रहा है। बोले अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है फाइव थाउजेंड दिस इज स्पॉट आज का प्राइस अगर आपको बोले वन मंथ आपके पास चाहो तो आप वन मंथ पे भी बैटिंग कर सकते वन मंथ वन मंथ मैंने कहा उसका प्राइस क्या चल रहा है मान लो उसने बोल दिया उसका चल रहा है पाँच हज़ार बीस और बोले आप टू मंथ वाले पे भी कर सकते हो टू मंथ मैंने कहा उसका प्राइस क्या चल रहा है तो बोले पाँच हज़ार तीस ऐसी कौन सा है थ्री मंथ ऐसी कौन सा है फोर मंथ और फोर मंथ का थ्री मंथ का क्या चल रहा बोले पाँच हज़ार चालीस और फोर मंथ का चल रहा है पाँच हज़ार पचास मैंने कहा समझाइए समझाइए ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा इसको थोड़ा सा समझा कर बताइए अब वो समझाने की कोशिश कर रहा बोले आपको वन मंथ के लिए बैटिंग करनी है कि टू मंथ की थ्री मंथ की फोर मंथ मैंने कहा मान लो मुझे टू मंथ के लिए बैटिंग करनी है किश तो बोले टू मंथ के लिए बैटिंग कर रही है तो ये पाँच हजार तीस और आपको क्या बैटिंग करनी मैंने कहा मुझे बैटिंग करनी है कि प्राइस कम हो तो बोले ठीक है आप जनवरी में जाना फैब में जाना बात खत्म मैंने कहा अच्छा अब सुनना ध्यान से अब अब इंपॉर्टेंट मैंने कहा मुझे ना स्टॉक एक्सचेंज सुनो ना मुझे जो बैटिंग करनी है वो इस पर बैटिंग करनी फोर मंथ बोले ठीक है कर लीजिए और मैंने कहा मैं बैटिंग करना चाहता हूँ कि प्राइस पाँच हज़ार पचास से कम हो जाएगा बोले ठीक है कर सकते हो फोर मंथ के लिए मैं बैटिंग किया कौन कब का प्राइस है ये वन टू थ्री मंथ तीस अप्रैल का प्राइस है और मैं कह रहा हूँ कि प्राइस पाँच हज़ार पाँच से नीचे चला जाएगा कर लिया बैटिंग बोले ठीक है ये कहाँ लगी है लिस्ट ये स्टॉक एक्सचेंज के पास लिस्ट है बोले वन मंथ के लिए इस पर बैटिंग करना है टू मंथ के लिए थ्री मंथ फ्यूचर और इसका नाम है फोर मंथ फ्यूचर पाँच हज़ार से पचास पाँच हजार पचास से नीचे जाएगा अब मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान चलो मैंने लगा लिया सर नीचे जाए नीचे जाए नीचे जाए पाँच हजार पचास एक महीना हुआ वन मंथ थर्टी फर्स्ट जनवरी आया थर्टी फर्स्ट जनवरी आया तो प्राइस हो गया बेटे इसका प्राइस अगर देखा जाए तो वहाँ भी स्पॉट होगा वन मंथ होगा टू मंथ होगा और ये वाला प्राइस अब मालूम है यहाँ क्या कहलाएगा थ्री मंथ कहलाएगा और हो गया पाँच हजार पैंतालीस सुनना ध्यान सुना। से सुनना मुझे इससे मतलब नहीं है इससे ये यह यहाँ पहुंचा इसका नाम अब क्या हो गया इसका नाम चेंज हो गया बिट्टी सुनना यही वाला प्राइस पे बैटिंग चल रही है पहले कितना था पाँच हजार पचास उस समय इसका नाम क्या था फोर मंथ फ्यूचर जैसे ही एक माह हो गया तो अब इसी पे ये, ये सर ये प्राइस किस पर डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई और डिमांड एंड सप्लाई की वजह से इसका प्राइस कितना हो गया पाँच हज़ार पैंतालीस हो गया डिमांड कम रही होगी तो रेट गिर गया पाँच हज़ार पैंतालीस लेकिन अब इसको ना फोर मंथ फ्यूचर बोलना अच्छा नहीं लगेगा अब इसको क्या नाम दूंगा मैं थ्री मंथ फ्यूचर ठीक अब मैं स्टॉक एक्सचेंज से अभी भी बाकी है मुझे तो यहाँ तक जाना फोर मंथ तक मैं स्टॉक एक्सचेंज से बोल रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज सुनो ना मैं अभी जैसे अभी एक ही माह हुआ वैसे मैं इसको प्रॉफिट दिख रहा मुझे अभी प्रॉफिट दिख रहा पाँच हज़ार पचास से कितना हो गया फाइव जीरो फोर फाइव हो गया तो प्लीज़ एक काम करो ना स्टॉक के मुझे पाँच रुपये दे दो और मुझे ख़त्म मुझे जाने दो बस बात ख़त्म क्या ऐसा पॉसिबल है हाँ फ्यूचर में आप कभी भी सौदा काट सकते हो आप सौदा काटिए इसको बोलते हैं सौदा काटना स्क्वायर ऑफ करना ये मैंने मार्जिन में आपको सिखाया है तो क्या मैं यहीं कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता हूँ जी सर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यहीं कैंसिल करके सौदा काट के आप बाहर निकल सकते हो और कितने रुपए का फायदा हो गया पाँच रुपये का आप बाहर निकल सकते हो और फिर फ्यूचर में क्या होने वाला हमें मतलब नहीं मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट कितने कौन सा वाला लिया था फोर मंथ के लिए तो क्या मुझे फोर मंथ तक पहुँचना नहीं मैं बीच में भी बाहर निकल सकता हूँ पैसे लेकर जितना भी प्रॉफिट हुआ वह जेब में रखा बाहर निकल गए पर मैं बाहर नहीं निकलना चाहता मैं और आगे बढ़ा फैब तक पहुंचा तो फैब तक अब स्पॉट दिख रहा वन मंथ टू मंथ आगे भी दिखता होगा पर मुझे किससे मतलब है मुझे इसी रेट से और ये जाकर अब कितना हो गया है ये हो गया पाँच हज़ार पैंतीस यही वाला रेट हालांकि अब इसका नाम फोर मंथ फ्यूचर नहीं इसका नाम क्या हो गया टू मंथ फ्यूचर हो गया और अभी भी मुझे फ़ायदा दिख रहा है कितने का दिख रहा है पाँच हज़ार पैंतीस तक मुझे तो पंद्रह रुपये का फ़ायदा हो गया पर मैं सोचता तो हूँ अभी भी आगे बढ़ते और फिर मैं आगे बढ़ा एक स्पॉट है और एक वन मंथ फ्यूचर और ये लो भाई चार हजार पाँच सौ और आगे भी होगा वन मंथ फ्यूचर मतलब ये कब का प्राइस है सर ये अप्रैल का है ये कब का प्राइस था सर ये भी अप्रैल का है क्या मैं सौदा काट सकता हूँ यस इतना कम हो गया प्राइस भाई चार हज़ार पाँच सौ बाहर निकलो पाँच हज़ार पचास में से चार हजार पाँच सौ माइनस कीजिए और ख़त्म बात खत्म क्या मुझे फोर मंथ तक वेट करने की जरूरत है नहीं तो इस तरह से भी काम किया जा सकता है यहाँ तक थोड़ी बात समझ में आ रही है यस सर इसका मतलब है फ़ॉरेक्स में भी ऐसा कुछ था हाँ जब भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट होता दोनों रेट एक ही डेट के होने चाहिए ये रेट कब का है अप्रैल का तो अगला रेट ये रेट भी कब का है अप्रैल का यहां भी काट सकते थे पर रेट कब का होना चाहिए अप्रैल का ही होना चाहिए अगर पहला रेट अप्रैल का तो ये वाला भी रेट अप्रैल का एक ही डेट का रेट होना चाहिए ओके okay, सर अब मेरे मन में एक बात आ रही है क्योंकि मैं अभी बस पता कर रहा था कि किस तरह से काम होता है मैं स्टॉक एक्सचेंज से बोला स्टॉक एक्सचेंज सुनो वैसे तो मुझे थ्री मंथ में ही सौदा काटना है बोले ठीक है तो मैंने कहा मैं ये वाला वन मंथ वाला ले सकता हूँ कि बोले ये तो ले ही नहीं सकते बोले टू मंथ वाला मैंने कहा यह भी नहीं ले सकते स्टॉक में थ्री बोले हाँ ये ले सकते हो पाँच हजार चालीस पे कर लो और यहाँ स्पॉट प्राइस पे सौदा कर सकता मैंने कहा मुझे ये भी नहीं लेना स्टॉक एक्सचेंज मेरे मन में एक बात आई है कि मैं जो कॉन्ट्रैक्ट करूँ मैं जो हैजिंग करूँ तो यूज कौन सा करूँ फोर मंथ वाला फोर मंथ वाला प्राइस लेकिन जब सौदा काटूंगा हैज कितने पीरियड के लिए कर रहा मैं फोर मंथ के लिए हैजिंग नहीं करना चाहता मैं करना चाहता हूं थ्री मंथ के लिए थ्री मंथ हैजिंग करने के लिए मंथ की करने के लिए मैं जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूं वो फोर मंथ वाला यूज कर रहा हूं यही बात है। तो मुझे फिर जब मैं सौदा काटूंगा यहां तो मुझे एक रेट तो यह है ही है दूसरा मुझे यहां कौन सा वाला रेट देखना पड़ेगा वन मंथ फ्यूचर यहां तक ठीक है ओके सर तो यहां तक मैंने अब मैं अगर लैंग्वेज को पढ़ाने की कोशिश करूं पहले इसे रफ कर लूँ क्या यस सर ठीक है पहले रफ कर लिया अब अब पढ़ो इस लाइन को शायद अब थोड़ा बहुत दिमाग में आ रहा होगा क्या लिखा है वी एज्यूम दैट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन बी एस सी इंडेक्स विथ फोर मथ मैच्योरिटी मैच्योरिटी कौन सा है फोर मंथ इज यूज इसको यूज कर रहा हूँ टू हैज द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो ओवर नेक्स्ट थ्री मंथ नेक्स्ट थ्री मंथ के लिए हैज कर रहा हूँ लेकिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहा हूँ वो थ्री मंथ वाला यूज नहीं कर रहा हूँ मैं कौन सा वाला फोर मंथ वाला यूज कर रहा हूँ ठीक है सर बात समझ में आ गई बहुत हो गया ओके okay. सर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में फिफ्टी टाइम्स फिफ्टी इंडेक्स ले लेना बेस्ड ऑन द अबो इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अब सुनो अब बस क्वेश्चन बनाने वाला हूं थोड़ी सी बात समझा मैंने कहा सुनो 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 स्टॉक एक्शन अब स्टॉक एक्शन के पास पहुंच गए मैंने कहा मैं तैयार हूं बोले ठीक है किस बात के लेते हैं मैंने कहा मैं मंथ वाले में करूंगा मैंने कहा रेट बताओ बोले देखो आज का प्राइस है पांच हजार मैंने कहा ठीक है मतलब आज का क्यों बता रहे हो सर फोर मंथ वाला बताओ ना फोर मंथ वाला मतलब फोर मंथ वाला तो है ही नहीं है मैंने कहा ऐसे कैसे वही फोर मंथ वाला नहीं मतलब मैं बैटिंग कैसे करूँगा बोले वो निकाल लो आप वो कैसे निकालते हैं कॉस्ट टू कैरी मॉडल हालांकि स्टॉक एक्सचेंज में एक्चुअल में दिया रहता है लेकिन अब यहाँ दिया नहीं है क्वेश्चन में तो हम किसको यूज करेंगे कॉस्ट टू कैरी मॉडल थियोरिटिकल मिनिमम प्राइस ऑफ फ्यूचर निकालेंगे कॉस्ट टू कैरी मॉडल को यूज करके और कौन सा वाला निकालना है फोर मंथ वाला निकालना है फोर मंथ फ्यूचर क्योंकि उसी में तो मुझे हैचिंग करना है और हम ये मानेंगे कि वो जो थियोरिटिकल है वही एक्चुअल है ठीक है एजम्शन लिखना है कि ज़रूरत नहीं है वैसे लिख लेना चाहिए एजम्पन पर यहाँ दूसरा कोई रेट तो दिया है नहीं है तो पहला वाला प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ पॉइंट नंबर वन प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एसिकॉल थोड़ा अजीब सा लगेगा एस इंटू ई आर माइनस डी इंटू टी पहली कसम जब भी सेंसेक्स निफ्टी स्टॉक इंडेक्स ये सब दिया है स्टॉक इंडेक्स दिया है तो कसम खा लो कि कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग ही यूज करेंगे किसी भी हालत में चाहे बोला हो चाहे ना बोला कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग सर ये फार्मूला क्या है तो सर सॉरी फॉर्मूला एक्सप्लेन करने में तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा मतलब मेरी एक डेढ़ घंटे की क्लास एक्सप्लेनेशन पे है और उतना लॉजिक मैं अभी इस लेवल पे नहीं समझा सकता इस टाइम पर नहीं समझा सकता ये तो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है तो बेसिक क्वेश्चन करवाने से पहले ही मैंने ये आपको समझाया हुआ तो यहाँ मैं आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगा तो चलो स्पॉट प्राइस कितना दिख रहा फाइव थाउजेंड ई आर का मतलब रिस्क फ्री रेट ज़ीरो पॉइंट जीरो नाइन डिडेंड कितना दिया जीरो पॉइंट जीरो सिक्स मतलब टाइम और टाइम कितना लेना 4 by 12. तो e. इसको सीधा सीधा सॉल्व कर रहा हूं यार मैं पॉइंट जीरो नाइन सॉरी पॉइंट जीरो नाइन माइनस पॉइंट जीरो सिक्स इंटू फोर बाय ट्वेल्व तो जीरो पॉइंट जीरो वन

गया यहां तक ये एक जिस पे मुझे बैटिंग करना कौन सा पोजीशन लेना शॉर्ट पोजिशन फाइव जीरो क्या निकला फोर मंथ फ्यूचर प्राइस फोर मंथ फ्यूचर प्राइस पर उसने बोला कि फ्यूचर एक फ्यूचर का नहीं एक कॉन्ट्रैक्ट तो एक कॉन्ट्रैक्ट में सर कितना टाइम्स फिफ्टी टाइम्स तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकाल लेते प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फाइव जीरो फाइव जीरो इंटू फिफ्टी तो ये आ गया टू लैक फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड बात करता हूँ कौन सा पोजीशन लेना है लॉन्ग की शॉर्ट शॉर्ट कितना कॉन्ट्रैक्ट करोगे हाँ सर ये तो नहीं पूछा है बेटे लेकिन इसकी जरूरत सेकंड पॉइंट में तो लगना ही लगना है क्योंकि सेकंड पॉइंट में वो प्रॉफिट या लॉस पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स तो आपको निकालना ही पड़ेगा और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे निकलेगा फॉर्मूला क्या था याद है कि कुछ वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बी टी माइनस बीपी डिवाइडेड बाय एफ इंटू एम इंटू बी टा फ्यूचर सर इसका लॉजिक भी समझा दो मैंने कहा सर इसका भी मैं लॉजिक नहीं समझा पाऊंगा टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा सर दूसरा अल्टरनेटिव फॉर्मूला यूज कर सकते हो कर सकते हो जो दूसरे टीचर से पढ़े वो कर सकते हो इस क्वेश्चन में हो जाएगा उसका भी यूज कर सकते हो पर मैं सीधा सीधा काम करवा रहा हूँ ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं सॉरी बोल रहा हूँ इसके लिए आपको मेरी क्लास ही देखना पड़ेगा एक्चुअल वाली बीटा मैनेजमेंट वाली तो कितने का पोर्टफोलियो है दस लाख दस हज़ार हम ये मान के चल रहे हैं, हमें कंप्लीट हैच करना नो प्रॉफिट नो लॉस तो टारगेट बीटा कितना लेके चलोगे जीरो बीटॉप पोर्टफोलियो कितना लेके चलोगे वन पॉइंट फाइव जीरो फ्यूचर प्राइस कितना निकाला फोर मंथ वाला फाइव जीरो फाइव जीरो मल्टीप्लायर कितना फिफ्टी इंटू वन मार्केट का बीटा वन दस लाख दस हजार इंटू वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय फाइव जीरो फाइव जीरो डिवाइडेड बाय फिफ्टी सिक्स कॉन्ट्रैक्ट और क्या करोगे शॉर्ट या सोल्ड या डाउन साइड बैटिंग शॉर्ट बोलूँ या सोल्ड बोलूँ या डाउन साइड बैटिंग तो मैं ये चाहता हूँ मैं पा हम ये बोल रहे हैं कि पाँच हज़ार से पचास से नीचे जाना चाहिए प्राइस और नीचे जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा प्रॉफिट अब देखो अब क्या मांगा यहां तक तो कुछ नहीं है अब आगे क्या मांग रहा है आगे बोल रहा है गेन ऑन बोला सब सब शॉर्ट फ्यूचर शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन गेन निकालना इफ इंडेक्स टर्न आउट टू बी फोर्टी फाइव हंड्रेड इन थ्री मंथ ये भी समझाना पड़ेगा सुनो बेटे पहले तो क्या निका, निकालने वाले क्या लिख लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ गेन अब सुनो मेरी बात को यहाँ स्पॉट प्राइस कितना था पाँच हज़ार पचास पाँच हज़ार पाँच हज़ार था तो और फ्यूचर प्राइस हमने फोर मंथ वाला कितना निकाला था पाँच हजार पचास एग्री वन मंथ हुआ वन मंथ टू मंथ हुआ थ्री मंथ हुआ फोर मंथ अभी हुआ नहीं बेटे ये वाला प्राइस जो है ये वाला कितना हो गया चार हजार पाँच सौ हो गया ये लिखा हुआ चार हज़ार पाँच सौ हो गया ठीक है स्पॉट प्राइस हमें क्या हमें तो चाहिए कितने मंथ बाद का अगर यहां पहुंच गए तो हमें चाहिए वन मंथ फ्यूचर हमें यहां सौदा काटना ना तो हमें क्या चाहिए वन मंथ फ्यूचर स्टॉक एक्सचेंज प्लीज़ आप बताइए कि तीसरे महीने में वन मंथ फ्यूचर प्राइस कितना है वन मंथ फ्यूचर स्टॉक एक्सचेंज बोलता हमें नहीं मालूम भाई हमने कहा ठीक है फिर क्या करें बोले कॉस्ट टू कैरी मॉडल यूज करो और कैसे करेंगे बोले यहाँ का जो प्राइस है वन मंथ बाद का निकाल निकालना पड़ेगा Okay. Yes. Calculation of one month future price. एट दी एंड ऑफ थर्ड मंथ इज इक्वल टू एस इंटर माइनस डी इंटू टी एस कितना होगा? चार हजार पांच सौ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था जीरो पॉइंट जीरो नाइन माइनस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स इंटू कितने महीने बाद का एक महीने बाद का पॉइंट जीरो थ्री इन डिवाइडेड बाई ट जीरो टू फाइव डिवाइडेड बाई फोर जीरो नाइन सिक्स प्लस वन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस किस्मत से आ रहा है वन पॉइंट डबल जीरो टू फाइव

तो 50 एक कॉन्ट्रैक्ट पे इतने का फायदा तो टोटल मिलाकर कितना छ कॉन्ट्रैक्ट पांच हजार पचास माइनस फोर फाइव वन वन इंटू फिफ्टी इंटू सिक्स तो ये आ गया वन सिक्सटी वन सेवन हंड्रेड रुपीज का प्रॉफिट तो ये क्वेश्चन था और ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन में से एक है भाई बेहतरीन मुझे ना ये क्वेश्चन बनाने में ही एक सुकून मिलता बहुत इतने अच्छे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में सब कुछ है अगर मैं देखूं तो इस क्वेश्चन में आपको अच्छा खासा नॉलेज चाहिए फ्यूचर का आपको कॉस्ट टू कैरी मॉडल आना चाहिए आपको बीटा मैनेजमेंट आना चाहिए तभी ये क्वेश्चन और नॉलेज अलग चाहिए तभी ये क्वेश्चन बनेगा नहीं तो बन नहीं बनेगा तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ थैंक यू सो मच ये नहीं कहूँगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट ये आपकी मर्जी पर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मिलते हैं कल किस क्या लेकर मिलेंगे हम इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट कल शाम को ऑलमोस्ट शाम को वीडियो डल जाएगा थैंक यू बाय बाय